प्रदेश की योगी सरकार ने आम बजट पेश करते हुए गोरखपुर को एक बड़ी सौगात दी है। बजट में गोरखपुर और वाराणसी मेट्रो के लिए 100-100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। इसके बाद अब धीरे धीरे गोरखपुर मेट्रो का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार होने से इस बात की पूरी संभावना है कि केंद्र सरकार जल्द ही इसकी मंजूरी दे देगी। आपको बता दें कि गोरखपुर में मेट्रो चलाने की कवायद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही शुरू हुई है। एक बार DPR बनाकर भी केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है, लेकिन कुछ संशोधनों के साथ केंद्र सरकार ने उसे वापस कर दिया था। अब दोबारा लाइट मेट्रो गोरखपुर के लिए DPR तैयार किया जा रहा है, जिसे GDA और राइट्स संस्थान मिलकर तैयार कर रहे हैं। अब जबकि प्रदेश सरकार ने अपने बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है, ऐसे में गोरखपुर मेट्रो परियोजना को पंख लगते हुए देखा जा रहा है और जल्द ही गोरखपुर में मेट्रो के सपने साकार हो सकते हैं। आपको बता दें कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से पूर्वांचल के लिए बेहद खास खास योजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है। कई ऐसी पूर्वांचल के लिए योजनाएं हैं जिससे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को फायदा होगा। योगी सरकार ने बजट में गंगा एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल को जोड़ने का भी फैसला किया है। आप क्या सोचते हैं गोरखपुर लाइट मेट्रो को लेकर के, आप हमें कमेंट करके अपने राय ज़रूर बताएं। और आपके इलाकों में जहां से आप ये खबरें सुन रहे हैं, वहां कौन सी चीज़ें बनाई जानी बेहद ज़रूरी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी आवाज़ को हम हमारे चैनल के द्वारा सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।